please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हो गए हैं। ब्यास और पार्वती नदी समेत जिले की दूसरी नदियां उफान पर हैं। इसी उफान में एक ट्रक कागज की नाव की तरह बह गया। बताया जा रहा है कि ट्रक हो रही है, नदियां उफान पर हैं। और ये जो तस्वीरें कुल्लू से सामने आई हैं, वो डराने वाली हैं, साथ ही साथ सावधान करने वाली भी हैं। यहां पर ट्रक पानी में समा गया, कागज की नाव की तरह ये ट्रक पानी में बह गया। आफत की बाढ़ यहां पर लगातार देखने को मिल रही है, आप लोगों की आवाजें भी सुन सकते हैं, लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। तो कुल्लू में शुक्रवार से ही लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में हालात बेहद खराब है। पार्वती नदी समेत जिले की दूसरी नदियां उफान पर है। टिब्बी की तरह पिछले दो दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कुल्लू और उसके आसपास के इलाकों में हालात काफी ज्यादा बिगड़ रहे हैं, जबकि कई नदियां और नाले उफान पर हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। ब्यास नदी में आई आफत की बाढ़ की वजह से एक बस सैलाब के साथ बह गई। ये मंजर देखने के बाद लोग वहां से जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद जब ये बस पानी में समा गई, उसके बाद लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है और इस बारिश ने एक बस को लील लिया। ये सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है और अब कुछ ही सेकंड बाद इन तस्कर की अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहां पर बस थी भी या नहीं। तो एक मिनट के अंदर ही इस पानी ने बस को लील लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें लोग नहीं थे, क्योंकि लोगों ने पहले ही कूद कर अपनी जान बचा ली थी, लोगों की जान बच गई, लेकिन बस पानी में समा गई। पिछले दो की वजह से पानी का सैलाब एक बस को माचिस की डिब्बी की तरह अपने साथ दहा कर ले गया। ये ट्रक बहने की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पानी का बहाव इतना ज्यादा था, हिमाचल प्रदेश की ही तस्वीरें हैं, ये कुल्लू की तस्वीरें हैं। इससे पहले आप मनाली की तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ पर पानी के तेज बहाव के आगे ट्रक भी बह गया और ट्रक सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रक को वो बचा नहीं पाया। और हालात ये हैं कि इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क थी भी या नहीं, क्योंकि काफी सड़क का हिस्सा पानी में समा चुका है। जगह जगह आवाजाही प्रभावित है, लोगों को आप देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में आवाजाही को रोक दिया गया है। कई रास्ते पानी में समा चुके हैं। ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और ऐसी स्थिति सामने आती है, उसके बाद सड़क की मरम्मत में काफी समय लगता है। फिलहाल ये ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला और पानी का बहाव भी काफी ज्यादा है। पिछले दो दिनों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं, साथ ही साथ आगाह भी करती हैं कि ऐसे मौसम में जब बारिश इतनी ज्यादा हो तो आवाजाही ना करें और सावधानी जरूर बरतें। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने समय रहते कूद कर अपनी जान बचा ली, लेकिन ट्रक पानी में जरूर समा गया। जान बच गई लेकिन ट्रक बह गया। कुल्लू में कुछ मिनट के अंदर ये ट्रक पानी में समा गया। बस यहां पर बह गई है, मनाली की तस्वीरें आपके सामने हैं। बस में लोग सवार नहीं थे, ये राहत की बात रही, क्योंकि समय रहते ही लोगों ने जान अपनी बचा ली। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक तरफ जहां एक ट्रक बह गया, वहीं मनाली में देखते ही देखते बस बह गई। हालांकि मौका रहते सभी लोग सुरक्षित निकल गए, ये राहत की बात रही। लोग इसमें सवार नहीं थे, देखते ही देखते पूरी बस पानी में समा गई। नदियां यहां पर उफान पर है, बाढ़ की स्थिति है और जो खासकर नदी से सटे हुए इलाके हैं वहां पर लोगों को ज़्यादा दिक्कतें पेश हो आ रही हैं। दो दिनों से वहां पर मौसम खराब बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा जो आसपास के निशान से ऊपर बह रहे हैं,
ब्यास नदी में आई आफत की बाढ़ की वजह से एक बस सैलाब के साथ बह गई। ये मंजर देखने के बाद लोग वहां से जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भागने लगे। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद जब ये बस पानी में समा गई, उसके बाद लोग दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लगातार बारिश से नदियां उफान पर है और इस बारिश ने एक बस को लील लिया। ये सैलाब यहां पर देखने को मिल रहा है और अब कुछ ही सेकंड बाद इन तस्कर के अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहां पर बस थी भी या नहीं। तो एक मिनट के अंदर ही इस पानी ने बस को लील लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें लोग नहीं थे, क्योंकि लोगों ने पहले ही कूद कर अपनी जान बचा ली थी। लोगों की जान बच गई लेकिन बस पानी में समा गई। पिछले दो की वजह से पानी का सैलाब एक बस को माचिस की डिब्बी की तरह अपने साथ बहा कर ले गया। ये ट्रक बहने की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पानी का बहाव इतना ज्यादा था, हिमाचल प्रदेश की ही तस्वीरें हैं, ये कुल्लू की तस्वीरें हैं। इससे पहले आप मनाली की तस्वीरें देख रहे थे। यहाँ पर पानी के तेज बहाव के आगे ट्रक भी बह गया और ट्रक सवार ने कूद कर अपनी जान बचाई लेकिन ट्रक को वो बचा नहीं पाया। और हालात ये हैं कि इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा भी लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर सड़क थी भी या नहीं, क्योंकि काफ़ी सड़क का हिस्सा पानी में समा चुका है। जगह जगह आवाजाही प्रभावित है, लोगों को आप देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और ऐसे में आवाजाही को रोक दिया गया है। कई रास्ते पानी में समा चुके हैं। ऐसे में जब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और ऐसी स्थिति सामने आती है, उसके बाद सड़क की मरम्मत में काफ़ी समय लगता है। फिलहाल ये ब्यास नदी का रौद्र रूप देखने को मिला और पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले दो दिनों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं, साथ ही साथ आगाह भी करती हैं कि ऐसे मौसम में जब बारिश इतनी ज़्यादा हो तो आवाजाही ना करें और सावधानी ज़रूर बरतें। हालांकि ट्रक ड्राइवर ने समय रहते कूद कर अपनी जान बचा ली लेकिन ट्रक पानी में ज़रूर समा गया। जान बच गई लेकिन ट्रक बह गया। कुल्लू में कुछ मिनट के अंदर ये ट्रक पानी में समा गया। बस यहां पर बह गई है, मनाली की तस्वीरें आपके सामने हैं। बस में लोग सवार नहीं थे, ये राहत की बात रही क्योंकि समय रहते ही लोगों ने जान अपनी बचा ली। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक तरफ जहां एक ट्रक बह गया, वहीं मनाली में देखते ही देखते बस बह गई। हालांकि मौका रहते सभी लोग सुरक्षित निकल गए, ये राहत की बात रही। लोग इसमें सवार नहीं थे, देखते ही देखते पूरी बस पानी में समा गई। नदियाँ यहाँ पर उफान पर है, बाढ़ की स्थिति है और जो खासकर नदी से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर लोगों को ज़्यादा दिक्कतें पेश हो आ रही हैं। दो दिनों से वहाँ पर मौसम खराब बना हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा जो आसपास नदी से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर स्थिति ज़्यादा भयावह है। ये बस की तस्वीर आप देख सकते हैं, हालांकि बस में कोई मौजूद नहीं था, ये अच्छी बात रही लेकिन बस ज़रूर पानी में समा गई। मनाली में बाढ़ के कहर का सामना सिर्फ वाहनों को नहीं करना पड़ा, नदियों के आसपास के इलाके में इससे प्रभावित है। मनाली में बाढ़ का पानी लोगों के मकानों में घुस गया, वहीं होटलों में भी पानी भर गया, यानी इलाके के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर नदी का पानी होटलों तक पहुँच गया और जो पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं उनके लिए भी मुश्किलें कम नहीं हैं। आसपास के इलाके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, सिर्फ वाहनों को ही दिक्कतें नहीं हो रही हैं बल्कि नदियों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी इससे लोगों के मकानों में घुस गया, वहीं होटलों में भी पानी भर गया, यानी इलाके के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और बड़ी बात यह है कि निकासी के इंतज़ाम नहीं है। हर साल ऐसी बारिश देखने को मिलती है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर घरों को नुकसान पहुँचता है, जो बाजार है वहाँ पर
दुकानों को नुकसान पहुंचता है और ये नदी के पास आसपास के इलाके हैं, सटे हुए इलाके हैं, वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। ये आसपास के लोग हैं जो सहमे हुए हैं और ये सड़क बीच में टूट गई है तो यहाँ पर आवाजाही भी रोक दी जाती है जब ऐसी स्थिति सामने आती है। तो कुल्लू मनाली में आफत की बाढ़ देखने को मिल रही है और हिमाचल प्रदेश में हमेशा ही पर्यटक रहते हैं लेकिन पर्यटकों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है क्योंकि होटलों तक में पानी घुस गया है और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो लगातार बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में, मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों तक अलर्ट भी है लेकिन जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हो गया है इन दो दिनों की बारिश के बाद। सड़कों में स्थिति भयंकर हो गई है क्योंकि कई जगह पर सड़कें टूट चुकी हैं लगातार हो रही बारिश की वजह से और सड़कों पर बाढ़ आ गई है, आफत की बाढ़ है, लोगों की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में जो आसपास के इलाके हैं खासकर नदी से सटे हुए इलाके हैं, निचले इलाके जो हैं वहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है। ये तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं, आप लोगों की आवाज़ों को सुन सकते हैं जो इस नज़ारे को देखने के बाद काफ़ी सहमे हुए हैं। फिर से ज़िंदगी को पटरी पर लाने के लिए समय लगता है क्योंकि जो घर है उनको नुकसान पहुँचा है, होटलों को नुकसान पहुँचा है और हर साल बारिश होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसी बारिश को लेकर के जब मौसम विभाग का अलर्ट रहता है उसके बावजूद इंतज़ाम नहीं किए जाते हैं और यहाँ पर सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी हैं लगातार बारिश के बाद। यहाँ पर ये हाल है, लोगों को आप देख सकते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से राज्य के 8 जिलों कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और शिमला में भारी बारिश के चलते स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला लिया गया। लगातार बारिश के चलते जिला प्रशासन ने लोगों को ऊंची जगह और नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। बारिश के चलते यहाँ जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। तो कुल्लू मनाली में आफत की बाढ़ देखने को मिल रही है, ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। 8 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। इन जिलों में कुल्लू, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, मंडी और शिमला शामिल है जहां पर भारी बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है, एहतियातन इन्हें बंद रखने का फैसला लिया गया है। लगातार बारिश की वजह से जिला प्रशासन लोगों को ऊँची जगह और नदी के किनारे न जाने की सलाह दी है। तो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नदी के किनारे ना जाएं और जो ऊंची जगह है वहाँ पर भी ना जाएं। बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बुरा असर पड़ा है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी भी दिक्कतें पेश आ रही हैं आम लोगों को। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी हैं, पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है और ये पानी लोगों को डरा रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं जहां पर बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, बाढ़ की स्थिति है वहां पर और सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ऊंची जगहों पर खासकर जो नदी से सटे हुए इलाके हैं नदी के पास ना जाएं, सावधानी बरतने के लिए कहा गया है और अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है लेकिन इस बारिश ने लोगों की मुश्किलें ज़रूर बढ़ा दी हैं। सिर्फ बाढ़ ही नहीं, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। हिमाचल में लाहौल को कुल्लू से बर्फबारी हुई, मौसम के बदले तेवरों ने लाहौल और कुल्लू के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेह मार्ग के बारातलाचा और स्पीति मार्ग के कुंजम में दृढ़ लाहौल घाटी में दर्जनों सैलानी फंस गए हैं। सड़क यातायात बंद होने और उफान पर बह रही नदियों की वजह से सैलानी घंटों मुश्किल हालात में फंसे रहे जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित जगहों पर लाया गया।
कुल 28 सैलानियों की जान बचाई गई। इसके साथ ही कई रूट को भी बंद करने का फैसला लिया गया। पहाड़ खिसकने की घटना की वजह से मंडी से मनाली जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। वहीं कई इलाकों में सड़क धंसने की वजह से हालात बेहद खराब हो गए। मिट्टी के खिसकने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो लगातार बारिश के बाद बर्फबारी से रास्ते जाम हो गए हैं और बर्फबारी ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। न सिर्फ बारिश ने बल्कि बर्फबारी की वजह से भी लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। 28 लोगों को बचाया गया। बताया गया कि सड़क यातायात बंद है और बर्फबारी की वजह से लाहौल घाटी में दर्जनों सैलानी फंस गए। उफान पर नदियां बह रही हैं। सैलानी घंटों मुश्किल हालात में फंसे रहे। इसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें बचाया गया। सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कुल 28 सैलानियों की जान बचाई गई। इसके साथ ही कई रूट को बंद करने का फैसला लिया गया। एहतियात के तौर पर ऐसा किया गया। पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में पहाड़ खिसकने की वजह से मंडी से मनाली जाने वाले रास्तों पर गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया। कई इलाकों में सड़कें भी धंसी। ऐसे में हालात और ज्यादा खराब हो गए। मिट्टी के खिसकने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और बर्फबारी से कई रास्ते जाम हो गए। हिमाचल में लोग घूमने जाते हैं, बर्फबारी का मजा लेने भी जाते हैं, लेकिन बर्फबारी काफी ज्यादा हुई। ऐसे में जो जरूरी सुविधाएं हैं वो पर्यटकों को नहीं मिली और बड़ी बात यह है कि कई घंटे तक पर्यटक फंसे रहे। उसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से इनको निकाला जा सका, सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते जाम हो गए और सड़क मार्ग को बंद किया गया। तो ये हवाई सर्वेक्षण से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कुल्लू की, जहां पर ये लोगों की मदद की जा रही है और इनको हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। हालात बेहद खराब है कुल्लू में। लगातार बारिश की वजह से नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पर्यटकों के लिए भी परेशानी ज्यादा है क्योंकि पर्यटक जहां तहां फंसे हुए हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर की मदद से इनको सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। प्रशासन ने भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और लोगों से नदी के किनारे ना जाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ना सिर्फ बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है बल्कि बर्फबारी से भी लोगों का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी अगले 36 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर पाबंदी लगा दी है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 36 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद जिला प्रशासन ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर करना पड़ा। जमीन खिसकने और बर्फबारी से चंबा को बाकी जगह से जोड़ने वाली 6 सड़कों पर जाम लग गया। कई लोग फंस गए। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और चंबा भी इससे अछूता नहीं है। चंबा में जमीन खिसकने से कई रास्ते जाम हो गए। लोगों की परेशानी बढ़ गई। जमीन खिसकने और बर्फबारी से चंबा को बाकी जगह से जोड़ने वाली 6 सड़कों पर जाम लग गया और कई लोग इसमें फंस भी गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमीन धंसने की घटनाएं सामने आई हैं और ऐसे में आवाजाही यहाँ पर बंद कर दी गई है। चंबा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। लगातार बारिश के बाद हाल बेहाल हो गया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पर काफ़ी संख्या में लोग भी फंसे हुए हैं बताया गया है और बर्फबारी से चंबा को बाकी जगह से जोड़ने वाली 6 सड़कों पर जाम लग गया और कई लोग फंस गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी बेड़च नदी पर बने पुल पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ के पुल के ऊपर से करीब 1 फुट पानी बह रहा है जिससे लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो पानी का सैलाब काफ़ी ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश की हमने बात की, अब राजस्थान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बेड़च नदी पर बने पुल पर लोगों को भारी परेशानी हुई। यहाँ के पुल के ऊपर से करीब 1 फुट पानी बह रहा है। ऐसे में आवाजाही को लेकर लोगों को दिक्कतें पेश आईं।
हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया है। रात से हो रही बारिश के बाद कई अंडरपास से यातायात अभी भी शुरू नहीं हुआ है। चंबा में जमीन खिसकने से कई रास्ते जाम हो गए, लोगों की परेशानी बढ़ गई। जमीन खिसकने और बर्फबारी से चंबा को बाकी जगह से जोड़ने वाली 6 सड़कों पर जाम लग गया और कई लोग इसमें फंस भी गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जमीन धंसने की घटनाएं सामने आई हैं और ऐसे में आवाजाही यहां पर बंद कर दी गई है। चंबा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। लगातार बारिश के बाद हाल बेहाल हो गया है, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां पर काफ़ी संख्या में लोग भी फंसे हुए हैं बताया गया है और बर्फबारी से चंबा को बाकी जगह से जोड़ने वाली 6 सड़कों पर जाम लग गया और कई लोग फंस गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी बेड़च नदी पर बने पुल पर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ के पुल के ऊपर से करीब 1 फुट पानी बह रहा है जिससे लोगों को आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो पानी का सैलाब काफ़ी ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश की हमने बात की, अब राजस्थान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा की तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ पर पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बेड़च नदी पर बने पुल पर लोगों को भारी परेशानी हुई, यहाँ के पुल के ऊपर से करीब 1 फुट पानी बह रहा है, ऐसे में आवाजाही को लेकर लोगों को दिक्कतें पेश आई। हरियाणा के गुरुग्राम में भी बारिश की वजह से कई जगह पानी भर गया है। रात से हो रही बारिश के बाद कई अंडरपास से यातायात अभी भी शुरू नहीं हुआ है। रविवार दिन से ही दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी झमाझम बारिश जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के सेक्टर 38 के पास और आप यहां पर देख सकते हैं कि बारिश जो है वो लगातार हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है। इसी के चलते कल गुड़गांव में जाम भी देखने को मिला और अगर आज की स्थिति की बात करें तो आज पहला वर्किंग डे है यानी कि सोमवार है। ऐसे में जिस अंडरपास के पास हम खड़े हैं ये मेदांता सिटी के पास का अंडरपास है और यहाँ ये पूरा अंडरपास लबालब भरा हुआ था पानी से जिसके चलते इसे रोक दिया गया, कल इसको बंद कर दिया गया। फिलहाल यहाँ से पानी जो है वो बाहर निकल गया है लेकिन अब साफ सफाई का काम चल रहा है। आम लोगों के लिए भी अभी इस अंडरपास को रोका गया है, सिर्फ जो अधिकारी है वो यहाँ पर जो स्थितियों का जायजा है वो लेने के लिए आ रहे हैं, उनके अलावा और आम लोगों के लिए फिलहाल इसे नहीं खोला गया है। यहाँ पर फिलहाल काम चल रहा है अंडरपास और अब यहाँ से जो तमाम लोग हैं जो हल करते हुए आगे जाते थे वो लोग अब जो मेन रूट है उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नसीब सिंह के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, गुरुग्राम।